अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जो क्लास नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था, उसकी हिस्ट्री में कुछ ऐसा था जो आप लोगों को समझ में नहीं आया, या फिर एक बार हिस्ट्री डिस्कस कर लें और फिर टर्म्स एंड डेफिनेशंस पे चलें। यह से एक बार डिस्कस करो। चलिए ठीक है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो आज हम लोग जो डिस्कशन टॉपिक है हमारी, वो है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि बेसिकली जो ये फार्माकोलॉजी है, वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दैट व्हाट इज फार्माकोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन, इज दैट इट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी पे कि कैसे इवोल्यूशन हुआ ये फार्माकोलॉजी का। तो इसकी जो इवोल्यूशन स्टार्ट हुई फार्माकोलॉजी की, इसकी जो सबसे अभी तक जो डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है वो आपके चाइनीज मेडिसिन के बारे में है। वो देखा गया है जो 2500 BC के आसपास, और इसमें जो है वो चाइनीज स्क्रिप्चर में एक एफेड्रा और मा हुआंग करके है, ठीक है, एफेड्रा मा हुआंग, जो कि उनको टॉनिक के बारे में बताया गया है। अब ये एफेड्रा या मा हुआंग जो है एक प्लांट है जिसको कि एज अ टॉनिक देवर यूजिंग, एंड उनकी स्क्रिप्चर में इसके बारे में अच्छे तरीके से बताया गया हुआ। इतने लेट से सभी अटेंड कर रहे हैं मुझे। तो फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री यदि हम स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि फार्माकोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो आज की नहीं है, बहुत दिनों की है। हम लोग बहुत सारी चीजें आज के भी दिन अपने दादी से, अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन लोगों के दोहे से सुनते हैं, या कोई, या तो हमारा घर का है, मतलब घर के लैंग्वेज में जो कुछ लोकोक्तियां हैं या फिर दोहे हैं उससे हम लोग सुनते हैं। लेकिन जब इसकी हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले चाइनीज मेडिसिन जो है वो एक मा हुआंग या एफेड्रा के बारे में, ये हर्ब के बारे में एक स्क्रिप्चर में मिलता है, जिसमें जो चाइनीज है उसको एज ए टॉनिक के रूप में यूज किया जाता था। पहले क्या था, अकॉर्डिंग टू मेडिसिन जो आयुर्वेदा के भी अनुसार, वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए हुए थे। दो पार्ट में कैसा, तो सबसे पहले कि पहला था एक थेरापूटिक्स के लिए, यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए, और दूसरा था कि किसी भी हेल्दी पर्सन में यदि वो चीज डिलीवर की जाती है तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनता है, जिसको टॉनिक बोलते हैं। तो ये जो टॉनिक है, ये एफेड्रा या माहवांग जो है, ये सबसे पहले टॉनिक आई हुई थी, जिसके बारे में ये चाइनीज स्क्रिप्चर में हमें मिलता है। और हम लोगों को बहुत पहले से पता है कि बहुत सारे ऐसे जो फॉरेनर्स विजिटर्स थे वो आते थे, जैसे ह्वेनसांग हो गया और भी काफी सारे फायान हो गया, तो ऐसे बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो आए हैं और यहाँ से पढ़ के भी गए हुए हैं। तो अब चीज है कि हम लोग, जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आयुर्वेदा और इंडियन मेडिसिन, ठीक है, तो सबसे पहला स्क्रिप्चर था जो चाइनीज रिकॉर्ड्स में मिला वो एफेड्रा और माहुआंग के बारे में पता चला था 2500 BC में। दूसरा जो था वो आयुर्वेदा मेडिसिन। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आप लोग सुनते होंगे जी कि आयुर्वेद में जो जो थ्री ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर्स थे देवर, वो कौन कौन थे, तो सबसे पहला चरक थे, सुश्रुत थे, और आपके वाग्भट थे। ये तीन जो है जिनकी, हालांकि जब चरक संहिता की बात करते हैं तो चरक संहिता लगभग 400 से 200 BCE, प्रोबेबली BCE आप लोग सभी जानते होंगे, बिफोर कॉमन ईरा। कॉमन ईरा मतलब जब जेसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, तो उसके 400 साल, 200 से 400 साल पहले ये चरक संहिता जो है
वो माना गया है कि ये जो संहिता लिखी गई ये लगभग उस पीरियड में लिखी गई होगी। हालांकि कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिनल वर्स था वो अग्निवेश संहिता था। अग्निवेश संहिता जिसमें 46,000 वर्सेस थे और जिनको लगभग 400 AD में एनो डोमिनी यानी कि आफ्टर जब जेसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया उसके 400 साल के बाद, ठीक है, तो दृढ़वाला ने अपने जो मेमोरी था उस मेमोरी को मेमोरी से जो वो है वो डॉक्यूमेंटेड की उन्होंने क्या क्या गेन किया था। तो और लगभग 46,000 वर्सेस में उन्होंने लगभग 8,000 वर्सेस को जो आयुर्वेदा में है उन्होंने लिखा और यही लगभग 20%, यानी कि अभी भी जो मतलब जितने भी पुराने जो हमारे टेक्स्ट थे वो काफी कुछ मिस हो चुके हैं। फिर हम लोग आते हैं कि जैसे हम लोग लोकोक्तियां टाइम में हम लोग बात कर रहे थे, लोकोक्तियां दोहे के बात कर रहे थे, तो ये जो चरक संहिता जब लिखी गई थी कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिनेशन है वो धन्वंतरी से, जब हमारे अपने पुराने कहानियों में जो हमारे पुराण ग्रंथ या जो भी उसमें तुम देखोगे तो वो धन्वंतरी से स्टार्ट होता है। तो धन्वंतरी से स्टार्ट होता है और लेकिन धन्वंतरी के बारे में सिर्फ हम जानते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी स्क्रिप्चर में नहीं है। चरक के बारे में माना गया है और ऐसा कहा गया कि चरक या तो कोई एक पर्सन हुआ होगा जिन्होंने इसकी शिक्षा दी होगी या तो एक ऐसा गुरुकुल रहा होगा जहां पे बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इनको जो भी जो ट्रीटमेंट थी डिजीज की उनको राइट डाउन किया, उनको लिखा, उनको बताया, उन्हीं को कंपाइलेशन, पहले था इसका नाम अग्निवेश संहिता, इन्हीं का कंपाइलेशन जो है वो चरक संहिता जो दृढ़वाला ने किया 8,000 वर्सेस में। तो ये भी जो है ये आप इसके बारे में इसमें भी फर्दर बहुत सारे इवोल्यूशन आते चले गए, जैसे काया चिकित्सा, काया चिकित्सा मतलब काया मतलब शरीर और चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट यानी कि शरीर की चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन। तो दे वर लार्जली बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द इंटरनल फायर ऑफ डाइजेशन। हम लोग अभी भी जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे कि हमारे जो हिंदी में है वो बहुत जो फायर को है वो 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये बेसिकली जो इंटरनल फायर ऑफ डाइजेशन जिसको हिंदी में हम लोग जठराग्नि बोलते हैं यानी पेट की जो आग होती है ना जठराग्नि, तो ये बेसिकली उन्हीं के बेसिस पे जो है उन्हीं के बेसिस पे मैडम अभी थोड़ा क्लास चल रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो जो जो काया चिकित्सा था मेनली जो जठराग्नि है या फिर जो इंटरनल फायर ऑफ डाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड था। फिर सुश्रुत संहिता आई जो लगभग जो सर्जरी के ऊपर में बेसिस था कि कैसे हम सर्जरी करेंगे आयुर्वेदिक में यदि सर्जरी की जरूरत हो गई। इसी तरीके से अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम जो है वो बाघ भट्ट ने बाद में लिखी। तो ये तीन ग्रेट आयुर्वेदाचार्य रहे। लेटर ऑन अब जिसका कि हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट अवेलेबल है, ये आपके पास दो मैंने कॉपी भेजी थी, एक था इजिप्टियन मेडिसिन और जिसका नाम है एबर्स पैपिरस, ठीक है। एबर्स पैपिरस जो है ये एक इजिप्टियन स्क्रिप्चर में लिखा गया कुछ डिजीज के बारे में ट्रीटमेंट, ठीक है, कि और यहाँ पर जो इस मैंने जो यहाँ पे सैंपल लगाया है इसके सोर्सेस भी मैंने लिखे हैं कि मैंने इसे कहाँ से कलेक्ट किया है। तो जो एबर्स पैपिरस है इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें एस्मा की जो ट्रीटमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, तो ये उनको ग्रीक भाषा में डिनोट किया गया है। दूसरा जो आप दूसरी पिक्चर देख रहे होंगे ये पहले लोग पाम लीफ यूज करते थे, अपने पाम लीफ यूज करते थे या फिर ऐसे बहुत सारे पत्ते थे जिन पर लोग अपनी मेडिसिन के को लिखते थे। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि अभी भी जो ये लीफ है ये जो आपका जो मेन स्क्रिप्चर है वो नेपाल के काठमांडू में संग्रहित है जिसको कि लॉस एंजल्स फ्रांस में जो है लॉस एंजल्स के म्यूजियम में जब उसकी जब प्रदर्शनी हुई थी तो वहां पे इनको लाया गया था और रखा गया था। तो ये इसके बारे में कुछ है और जिनमें आप तो इसमें ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। अब हम लोग आते हैं प्री क्रिश्चियन ईरा पे।
स्पेशली जो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में यदि जाएं तो एंशियंट हिस्ट्री में आपका जो गैलन है वो बहुत रिनॉन्ड थे, और उन्होंने थोड़ा समय फोकस करूंगा जो गैलन हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो उनको गैलन ऑफ परगेमन भी बोलते हैं, ठीक है, उनका जो अपना नाम था, और उन्होंने बहुत सारे इस पे वर्कआउट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है गैलन, एलियस गैलनस और क्लॉडियस गैलनस, हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन कहलाए जाते हैं, इन्होंने कुछ चीजों के बारे में लिखा। और हिप्पोक्रेट्स जो है हम लोग आज के भी डेट में जानते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीर, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो आजकल भी ये लोकोक्तियों में चलती है। इसको बहुत पहले हिप्पोक्रेट्स ने जो हमारे स्क्रिप्चर है, क्योंकि हम लोग वर्बली उसको जानते हैं, बट जो इसका स्क्रिप्चर है, जो रिटेन जो हमारे पास अवेलेबल है साक्ष्य, उसके अनुसार जो हिप्पोक्रेट्स हैं उनका प्रिंसिपल क्या था कि हमारे शरीर में जो है यदि कोई बीमारी होती है तो उन चार चीजों की वजह से होती है, और वो क्या है कि हमारा शरीर वो पानी वाटर फायर एयर एंड अर्थ, दे गिव राइज टू फोर ह्यूमर्स ऑफ बॉडी, यानी एक बॉडी जो है, ह्यूमर्स मतलब होता है फ्लूड या लिक्विड, जो हमारा बॉडी है ये चार तरह के तत्व के जो हमारा तत्व है उन्हीं से बना हुआ होता है। जैसे कि अब ये जो है वाटर है, जैसे उनको कहा गया कि ये ब्लड को डिनोट करता है, फ्लेम, फ्लेम मतलब होता है म्यूकस, ठीक है, येलो बाइल या यूरिन या ब्लैक बाइल, ये ही जो हमारा जो फाइव ह्यूमर्स हैं, जो फाइव फ्लूड्स हैं, इसी में यदि इम्बैलेंस आ जाए तो इसके कारण से डिजीज होती है। अब हम लोग देखें कि ब्लड हुआ या फ्लेम हुआ या येलो बाइल या यूरिन या ब्लैक बाइल किसको बोलते हैं, ब्लड मतलब खून आप लोग जानते हैं, फ्लेम मतलब म्यूकस, म्यूकस या तो वो हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकस हो सकता है या जनरल जो भी सेक्रेशंस हैं या हमारे टीयर्स हैं, तो ये फ्लेम में आ गया। येलो बाइल किसको बोलते हैं, येलो बाइल किनको बोलते थे, जो लीवर से सेक्रेट होता था, ठीक है, जो लीवर से सेक्रेट होता था उनको वो उन्होंने येलो बाइल नाम दिया। और यूरिन मतलब यूरिन जो हम लोग वेल नोन है यूरिन के टर्म्स, ब्लैक बाइल ऐसे कोई भी केमिकल्स या जो फ्लूड जो सेक्रेट होते हैं किससे, किडनी या स्प्लीन से, उनको ब्लैक बाइल का नाम दिया, ठीक है। तो उनका कहना था यदि इन्हीं पांच चीजों में यदि इम्बैलेंस आ जाए तो हमारे अंदर की चीज हो सकता है। अब जो गैलन थे, गैलन उस समय प्राचीन समय में जो ग्रीक फिजिशियन थे, इन्होंने ये ग्रीक फिजिशियन सर्जन और फिलोसफर भी थे, और इनका कहना था कि एक जो फिजिशियन होगा, एक जो ग्रेट फिजिशियन होगा, दे मस्ट बी अ फिलोसफर, ठीक है। तो ये रोम में अपनी प्रैक्टिस करते थे, और इनकी जो और अकॉर्डिंग टू हिम इनका कहना था कि हमारे अंदर का जो ये चार चीजें हैं, यानी ब्लड, ब्लड हो गया या ब्लैक बाइल हो गया या येलो बाइल हो गया या फिर फ्लेम हो गया यानी म्यूकस, ये क्या करता है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है। यानी यदि किसी के यदि ब्लड सही है, यानी ब्लड ठीक है, तो वो चीयरफुल दिखेगा, ब्लैक बाइल है मेलानकोलिक, तो ब्लैक बाइल वॉज कंसिडर्ड एज ए मेलानकोलिक, मीन्स वो उदास या दुखी दिखेगा। येलो बाइल सेक्रेशन यानी यदि लीवर से ज्यादा सेक्रेशन हो रहा है तो वो बैड टेम्पर्ड या इरिटेबल मूड को दिखाएगा। फ्लेम यदि म्यूकस ज्यादा सेक्रेट हो रहा है, इट मीन्स कि ऐसे आदमी ज्यादा शांत होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने इन चीजों को रखा। अब गैलन क्या था, वो सर्जिकल, वो क्या किया करते थे, तो उस समय में ग्रीक में चूंकि ह्यूमंस पे ट्राई करना बहुत मुश्किल होती थी, मतलब आप ह्यूमन को चीड़फाड़ नहीं कर सकते, तो उन्होंने बहुत सारे जो जानवर हैं उनको चीड़फाड़ करना शुरू किया। और स्पेशली उन्होंने क्या किया, ऐसे जानवरों का चीड़फाड़ करना शुरू किया जो ह्यूमन से मिलते जुलते थे, जैसे पहला बंदर, मंकी, ठीक है। तो मंकी को वो डिसेक्ट करते थे, मंकी को उन्होंने डिसेक्ट किया, फिर डिसेक्ट करके देखे क्या क्या ऑर्गेन, और उनके बेसिस पे उन्होंने ये सब चीज रखा। और उनका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल था, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने, ठीक है, कि कैसे हार्ट जो है प्ले सेंट्रल रोल इन द सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो गैलन इसीलिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस हिसाब से। दूसरा, इन्होंने सुअर का चीरफार किया, और वो क्या करते थे कि उन्होंने बहुत सारे जो नर्विकल जो कॉर्ड्स हैं या वेनस हैं या आर्टरीज हैं उनको वो कट कर देते, और उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि जो वेनस ब्लड होगा दैट विल अपीयर्स इन डार्क कलर, ओके, और जो आर्टेरियल ब्लड होंगे वो ब्राइट ब्लड, मतलब जो पिंक मतलब थोड़े लाइट ब्लड होंगे वो आर्टेरियल ब्लड को डिनोट करता, मतलब दोनों के ब्लड में क्या डिफरेंस, ठीक है। सो हिज नेम इज स्टिल यूज टू रेफर सम ड्रग्स एज गैलेनिकल ड्रग्स। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ ड्रग्स लाए और उनको कहा जाता है गैलेनिकल ड्रग्स। ड्रग्स क्या, तो वो क्या करते थे कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स रखते थे जिसको पॉलीफार्मेसी बोलते हैं। पॉलीफार्मेसी इज द स्टडी ऑफ अ मेडिसिन ऑफ अ मल्टीपल मेडिकेशन, ठीक है। जब हम कोई भी एक ही साथ चार या पांच ड्रग को दवाइयों को मिला करके देते हैं इसी को पॉलीफार्मेसी बोलते हैं। तो इन्होंने ही ये जो पॉलीफार्मेसी की स्टार्टअप हुआ था वो गैलन के टाइम से हुआ था, ठीक है। इसमें यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है सर। सर इन रियल में ऐसा है सर, फिल्म ज्यादा स्केट होगा तो काम होगा? देखो बिकॉज दे वर फ्लैश फिलोसफर, तो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है किसी भी चीज को जानने के लिए, उन्होंने अपना फिलोसफी दिया। नाउ डेज वी आर पुटिंग आवर थियोरीज, द अर्ली जो आयुर्वेदाचार्य थे उन्होंने अपनी थियोरीज दी थी, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी है जो समय के साथ साथ उनको डिसअप्रूव किया किन्हीं ने। और जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड है या फिर बहुत सारे ऐसे, तो ये फिलॉसफी थी लेकिन बहुत सारे लोगों ने डिसअप्रूव किया। बहुत सारे लोग जो अभी भी हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे आइंस्टीन का बहुत सारी थ्योरी या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल साइंसेस में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं उनकी थ्योरीज पे काम करते रहते हैं, तो ये उनका सोचना था। आप लोग भी पढ़ो, थोड़ा जानो, हो सकता है अभी भी रिलेवेंट है। ऑब्वियसली दिस नीड मोर एंड मोर रिसर्च, इसलिए ह्यूमन रिसर्च करते हैं। अब हम लोग आते हैं मेडिवल मेडिसिन में। ये तो एंशिएंट मेडिसिन की बात थी कि यहाँ पे क्या माना जाता था। तो बेसिकली हम लोगों ने जाना कि जो आयुर्वेद है उसमें पहले हम लोग आयुर्वेदा के नाम सुनते थे, चूंकि वो स्क्रिप्चर में कहीं भी नहीं मिला। बहुत सारी चीजें हमारे इंडिया से जिसको गोल्डन एज ऑफ इरा बोलते हैं उस समय में बहुत सारी चीजें हमारी गुम हो गई, चली गई, तो वो नहीं पता है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि अभी भी जो ये जो चरक संहिता है वो एक ट्रांसलेशन है, और जो ट्रांसलेशन किया है वो फॉरेनर ने किया है, और उनको ट्रांसलेट करने वाले इंडियन थे, जो पीवी गुप्ता, उनकी बुक भी है, ठीक है। कभी यदि आप लोगों जब पढ़ना चाहो, जब आगे पढ़ोगे, अभी जरूरी नहीं उतना, तो मैं वो बुक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। देन मेडिवल मेडिसिन में हम लोग आते हैं। मेडिवल मेडिसिन में सबसे पहले पैरासेल्सस, हम लोगों ने बात किया था। पैरासेल्सस जो थे उन्होंने क्या किया कि इन्होंने मरकरी से मेडिसिन, मरकरी जो भी है, मरकरी जो मेटल है वो बेसिकली पॉइजनस माने जाते थे, लेकिन उन्होंने इसी पॉइजन से उन्होंने मेडिसिन, मतलब इनका यूज लिया मेडिसिन में। और जब ये मेडिसिन में इन्होंने इनका यूज किया तो तब से उन्होंने एक ये थ्योरी भी दी कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है जब हम उसको, मतलब इट इज द डोज दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन अ पॉइजन एंड अ मेडिसिन, ठीक है। तो इसके आधार पे उन्होंने ये रखा था। और बहुत सारे चीजें जैसे उन्होंने ओपियम प्रिपरेशन से, जिसको हम लोग अफीम बोलते हैं, ओपियम को अफीम बोलते हैं, सल्फर से, आयरन से, कॉपर से, सल्फेट से, पोटेशियम सल्फेट से, इसके बाद मरकरी से, और ऐसे बहुत सारे टिंचर और फ्लूड एक्सट्रैक्ट से उन्होंने बनाया मेडिसिन। फिर अब आती है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये मेडिसिन के क्षेत्र में रिवॉल्व होना स्टार्ट हुआ। हम लोग देखते हैं कि जब 19th सेंचुरी की बिगिनिंग आती है तो यहाँ पे प्रिंसिपल आता है शॉर्ट गन प्रिस्क्रिप्शन। ओके, शॉर्ट गन प्रिस्क्रिप्शन क्या है? जब शॉर्ट गन प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, ये क्या है? इट इज वन दैट कंटेन्स अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस विथ नो थेरापूटिक इफिकेसी। इसमें क्या है
the principle behind it that this prescription contains many drugs. ठीक है, ये क्या करता था कि जैसे गैलेनिकल ड्रग्स आए, ठीक उसी के आधार पे ये शॉर्ट गन प्रिंसिपल में, अभी के भी टाइम में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो शॉर्ट गन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, मतलब उनको पता नहीं चल रहा है डिजीज क्या है, तो बस आंख बंद करके 5, 6, 7, 8 इससे ज्यादा दवाई, मतलब दवाई लिख दो, कोई ना कोई तो ट्रीट होगा, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट गन प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो शॉर्ट गन प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता था कि इसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते थे और उनकी थेरापेटिक इफिकेसी जो है वो हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट हम ये देखते थे कि उससे कितना ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, उसे ट्रीटमेंट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई नहीं। सो बेसिकली इट वॉज दिस काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स मेनी ड्रग्स एंड इट विद अ गिवन होप दैट वन ऑफ देम मे प्रूव इफेक्टिव, मतलब कोई ना कोई तो काम करे, तो ये एक रिकमेंडेड अप्रोच है। लेटर ऑन जब ग्रेगरी आए तो उन्होंने एडवोकेट किया मेथड्स लाइक वेनिसेक्शन। वेनिसेक्शन क्या है, ये वेनिसेक्शन का एक साइनोनाइम है जिसको फ्लेबोटॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि कोई भी सर्जिकल ओपनिंग या पंक्चर से कोई भी वेन को पंक्चर करके, आप लोग एक्यूप्रेशर या उस तरीके का सुनते होंगे कि आप लोग सुई चुभा करके करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं साइंस में, जो हम लोग सुई चुभा करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, एक तो एक्यूपंक्चर है, ठीक है, एक है एक्यूप्रेशर, जो हम लोग हाथ को दबा करके यूज करते हैं वो प्रेशर है, वी आर क्रिएटिंग प्रेशर एट सम पॉइंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेकिन एक्यूपंक्चर क्या है, तो वहां पे सुई से ट्रीटमेंट करना, तो ये क्या करते थे मेनिसेक्शन में, दिस इज द अनदर टर्म ऑफ फ्लेबोटॉमी, इसको फ्लेबोटॉमी भी बोला जाता है। तो बेसिकली दिस वॉज बेस्ड ऑन द सर्जिकल ओपनिंग और पंक्चर ऑफ ओपनिंग। अब रीजन क्या था, इन ऑर्डर टू विड्रॉ ब्लड और इंट्रोड्यूस ब्लड फ्लूड, यानी कि या तो ब्लड को विड्रॉ करने के लिए या तो फ्लूड इंट्रोड्यूस करने के लिए हम उसमें कुछ मेडिकेशन लगा करके और तब एक्यूपंक्चर करते थे पर्टिकुलर स्पेस पे, तो इसको वेनिसेक्शन का नाम दिया गया। लेटर ऑन क्या इसको फिर था कौन कौन सा, जो ग्रेगरी थे उन्होंने वेनिसेक्शन, ब्लीचिंग इमेटिक्स और ड्रास्टिक पर्जेटिव्स के बारे में यूज किया। वेनिसेक्शन मतलब लीचिंग इमेटिक्स क्या हो गया, लीचिंग इमेटिक्स हो गया कि यहाँ पे ये लीच का यूज करके और उनसे फ्लूड बाहर निकालना, ठीक है, इसी को लीचिंग इमेटिक्स बोलते हैं। और ड्रास्टिक पर्जेटिव्स मतलब ऐसे दवाइयों का यूज करना जिससे जो अंदर का हमारे इंटरनल बॉडी में जितने भी फ्लूड हैं उसको बाहर निकाल दिया जाए, यानी जैसे स्टूल्स हो गए, जैसे यूरिन हो गए, तो इसको ड्रास्टिक पर्जेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पर्जेटिव्स काउस टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड वेस्ट, और लैक्सेटिव जिसको तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इन्होंने ग्रेगरी जो है ये तीन मेथड के बारे में बताए हम लोग। अच्छा, इसी यही टर्म जो है आगे जाकर के एलोपैथी टर्म का नाम यूज ले। एलोपैथी मतलब क्या होता है, एलोपैथी मतलब होता है अदर सप्लीमेंट। अब एलोपैथी और होम्योपैथी, अब यही पे होता है डिफरेंस। एलोपैथी में क्या होता है कि हम लोग कोई जो डिजीज होता है उस डिजीज के अगेंस्ट जो मेडिकेशन यूज करते हैं, यानी कि हमारा जो मेडिसिन होगा वो कंट्राडिक्टरी होगा किसके, जो हमारा बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो साइन और सिम्टम्स शो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। जैसे यदि हमको इन्फ्लामेशन हो गया तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेंगे, ठीक है, यदि हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो हम एंटी कॉन्स्टिपेशन, यदि मतलब हम लोग लूज ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, जैसे फ्लैजिल या फिर जो भी कुछ ड्रग्स है, ताकि मतलब अगेंस्ट, यानी जो सफरिंग है उनके अगेंस्ट जो मेडिकेशन कर रहे हैं उसी को एलोपैथ का नाम दिया गया, यानी दे बिलीव ऑन सप्रेशन ऑफ दैट डिजीज बाय काउंटरिंग द मेडिसिन। ठीक है, ना होम्योपैथ में क्या है, सैमुअल हैनीमैन एक नई पद्धति लेकर आए जिसको होम्योपैथी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है सिमिलर सफरिंग। सिमिलर सफरिंग मतलब इनके कहने का मतलब था कि बॉडी में जिसके कारण से डिजीज हुई है यदि वो ही दवा दी जाए एक लिटिल अमाउंट में, तो हम उससे उसकी डिजीज, उससे उस डिजीज का क्योर कर सकते हैं। जैसे यदि कोई साइकेट्रिक, ठीक है, जैसे कोई अभी भी हम लोग जो साइकोलॉजी या साइकेट्रिक जो है, आप लोग देखते हैं कि
साइकेट्रिक में जैसे सपोज क्या होता है कि हमारा कोई एक नर्व फंक्शन, तो उसमें मोस्टली हमारा जो जो भी ड्रग्स होते हैं वो बेसिकली आपके किस तरह के ड्रग्स होते हैं जो हमारे कॉन्शसनेस को ट्रैंक्विलाइजर सर नहीं ट्रैंक्विलाइजर इज अनदर थिंग ट्रैंक्विलाइज मींस जस्ट बेहोश करता है मतलब एनेस्थेटिक ठीक है तो हम लोग क्या करते थे कि इसमें बेसिकली जो मेडिसिन है जो कोई भी हर्ब है या फिर अभी भी आज के भी डेट में होम्योपैथ में आप देखोगे बहुत सारे जैसे बेलाडोना हो गया पल्सटिला हो गया तो पर्टिकुलर डिजीज यदि उसको सर्टेन अमाउंट से ज्यादा दिया जाए तो वही रोग प्रदर्श दिखेगा जो रोग एक रोगी में दिख रहा है। एक यदि स्वस्थ आदमी को यदि सेम मेडिकेशन हम देते हैं तो वो रोगी हो जाएगा और यदि वो रोगी को देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो यही एक बेसिकली प्रिंसिपल था हैनीमैन का और इन्होंने होम्योपैथी को लाया। तो बेसिकली होम्यो मतलब होमोस मीन्स सेम और पैथिया मीन्स सब। तो इस तरीके से आपने जाना है एलोपैथी और होम्योपैथी कैसे है। अब आते हैं मॉडर्न मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब मॉडर्न मेडिसिन कैसे टेक्निक सर सर हाँ हाँ सर हाँ यस यस ये सैमुअल हैनीमैन का जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है सर वो वाला समझा दीजिए सर। ओके, ओके, ओके। जो दो प्रिंसिपल है अच्छा अच्छा हाँ हाँ दो प्रिंसिपल थे उसके यस उनके दो प्रिंसिपल क्या थे लाइक क्योर्स लाइक मतलब जिसके कारण डिजीज हुआ है वही क्योर कर सकता है। सेकेंड थिंग डाइल्यूशन पोटेंशिएट्स द एक्शन ऑफ ड्रग्स ठीक है मतलब हम जो डाइल्यूशन रखते हैं वो किसी भी ड्रग के एक्शन की पोटेंशियलिटी को दिखाता है। यदि कोई होम्योपैथिक ड्रग्स लेता हो या फिर लिया हो तो वो जानते होंगे उसमें बहुत सारे पोटेंसी पावर की आती है यानी जब हम देखें बहुत सारे हम लोग कहते हैं 200 पावर 200x या 1m इसका मतलब 30x मतलब वो जो 30x मतलब हुआ 30 टाइम्स डाइल्यूशन समझ में आया। तो ये उसकी पोटेंसी है और ये पोटेंसी का जैसे सपोज एक पर्सन सफर कर रहा है एक पर्टिकुलर डिजीज से तो यदि इस पोटेंसी की ड्रग दी जाए क्योंकि उसमें ज्यादा लक्षित प्रदर्शित नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक इंजरी है बहुत क्रॉनिक है तो उसको ज्यादा पोटेंसी की पड़ेगी दवा जैसे 1m की। तो इस तरीके से ये उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो पोटेंसी है और आपका जो ड्रग है उसका सिलेक्शन होना चाहिए ठीक है। यस सर अब हम लोग आते हैं मॉडर्न मेडिसिन के बारे में। तो मॉडर्न मेडिसिन के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसमें एक बुकसिम नाम के एक प्रोफेसर थे और इनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है और इन्होंने अपनी सबसे पहली लैब जो है वो एस्टेब्लिश की और 19th सेंचुरी में जाकर के ये इन्होंने जब स्मॉल पॉक्स 19th सेंचुरी में जा करके जब स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जब वैक्सीनेशन आ गई थी तब जाके हमारा फार्माकोलॉजी में इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। फिर तो लेटर ऑन बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आए वैक्सीनेशन आया प्रोफाइलेक्टिक आ गया। आयुर्वेद में भी दो तरीके से है या मतलब एक ड्रग जो आपको थेरेपी के लिए यूज की जा सकती है और एक ड्रग जो स्ट्रांग बना सकता है किसी भी हेल्दी पर्सन तो जिसको हम लोग बोलते हैं एज अ प्रोफाइलेक्टिक और एक थेराप्यूटिक यानी उसको इतना स्ट्रांग बना देना है जिसको जिससे डिजीज नहीं हो और थेराप्यूटिक यानी जब हम डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं। तो इसके बाद बहुत सारे विद इन दैट टाइम जो है फिर एनेस्थेटिक्स आए एंटीसेप्टिक्स आए हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। In the beginning of 20th century, the fresh wind of synthetic chemistry began to revolutionize the pharmaceutical industry and with it science of pharmacology. और इसके और सबसे पहले क्या था जो पॉल अर्लिक का नाम है हम लोग थेरेपी में भी जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले एक डाय का यूज किया था ठीक है डाय जिसको हम लोग स्टेन करते हैं और तो उन्होंने डाय का यूज किया था और पॉल अर्लिक 1909 में इन्होंने सिफिलिस के लिए ये चीजें यूज की थी। तो इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी बोलते हैं और आप लोग सभी जानते हो।
फिर डोमैक का भी नाम आप लोग सुने हो, किस तरीके से पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की, और ये जो वर्ल्ड वार में है, वर्ल्ड वार के टाइम में ये पेनिसिलिन का यूज कैसे किया गया ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। सेल्समैन वैक्समैन जो लेटर ऑन रिवोल्यूशनाइज करके रखती है टोटल कंप्लीटली एंटीबायोटिक्स को, ठीक है, तो ये समय टाइम के साथ साथ जो है आगे बढ़ता चला गया। ये डोमैक जो थे इन्होंने पेनिसिलिन को कमर्शलाइज किया वर्ल्ड वार में, ठीक है, और उनका यूज किया था। तो यही है बेसिकली हिस्ट्री, और इसमें कुछ है नहीं। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की जहाँ तक हम लोग बात करें तो वही सारी चीजें हैं, आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फार्माकोलॉजी ये क्या है, दिस टारगेट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैकेनिज्म फॉर द केमिकल एक्शन ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड नोवल थेराप्यूटिक एजेंट्स, देन इट फोकस्ड ऑन द डायनामिक्स ऑफ अ फार्मा एज वेल एज द देयर काइनेटिक्स, देन दे हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ केमिकल एजेंट्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल रिलेटेड एरियाज ऑफ स्टडीज, इट ऑल्सो डील्स विद द टॉक्सिक एक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, ठीक है। तो ये सब कुछ स्कोप्स हैं, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। हम लोग टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। ये सब ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी हैं, इसमें ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता है कि बताने की ज़रूरत होगी प्रोबेबली, यदि इसमें भी जरूरी है तो मैं बता सकता हूँ। न्यूरो फार्माकोलॉजी जनरली सच काइंड ऑफ स्टडी डील्स विद द न्यूरो फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरो बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें एक पर्टिकुलर हर्ब जो है एक नर्व फंक्शन पे क्या इफेक्ट करता है इसकी स्टडी करते हैं। कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी में एक पर्टिकुलर ड्रग जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है, जो ब्लड सर्कुलेटरी फंक्शन है, वो कितना इफेक्ट करता है, किस तरीके से उसको मॉड्यूलेट करता है, इसकी स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी में जो है हम ड्रग्स के बारे में स्पेशली उसके बायोकेमिकल और बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं कि पर्टिकुलर ड्रग को एक पर्टिकुलर जो हमारा सेल है या पर्टिकुलर जो सेल के अंदर बहुत सारे जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो कैसे डील करते हैं इन ड्रग्स को, ठीक है। तो उनकी डिटेल्स जो है हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे पर्टिकुलर रिसेप्टर के बारे में, कौन सी रिसेप्टर किस ड्रग्स के साथ बाइंड करेगी, फिर बाइंड करने के बाद फर्दर वो क्या सेल सिग्नलिंग करेगी, क्या सिग्नलिंग करेगी सेल को, तो ये सब इफेक्ट हम मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी में देखते हैं। बायोकेमिकल फार्माकोलॉजी में क्या देखते हैं, इसमें बेसिकली बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स देखते हैं कि कैसे ये ड्रग्स जो है कौन कौन से एंजाइम्स का सेक्रेशन, इसका जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज है वो ड्रग्स का क्या है, इसमें कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, और ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट जब डिलीवर किए जाएंगे तो हमारे जो बॉडी में, हमारा जो बॉडी सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं या वैरायटी ऑफ केमिकल्स हैं उस पर क्या एक्ट करेगा, तो इसी को इसमें ये हम बायोकेमिकल फार्माकोलॉजी में डील करते हैं। बिहेवियरल फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये स्टडी है जिसमें एक ड्रग का एक्शन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। जनरली जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं कि यदि ड्रग दिया जाए तो वो किस तरह का साइकेटिक बिहेवियर करता है, तो इसी में इसमें हम लोग जनरली बिहेवियरल फार्माकोलॉजी, जैसे हम लोग